नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार की सुबह कोहरा व शीतलहर के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मोकामा के ग्रामीण इलाकों में कोहरे का जबरदस्त प्रकोप है, जबकि शहरी इलाकों में थोड़ा असर कम है। शहरी इलाकों में रोजमर्रा के कार्यों के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखकर नगर परिषद के सफाई कर्मी सक्रिय हैं। कंपकपाती ठंड में भी ये सफाई कर्मी शहर को साफ सुथरा रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मोकामा में अभी सुबह का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोपहर तक अगर सूरज चमका तो लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन सुबह की शीतलहर के कारण लोग परेशान हैं। सुबह के समय सड़कों पर कोहरे का असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। मौसम में अब पूरी तरह ठंडक नजर आ रही है। सुबह के समय लोगों को ठंड के कारण परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्रामीण अंचल में और शहर के बाहरी क्षेत्रों में जबरदस्त कोहरा है। आलम यह है कि कुछ दूरी तक भी दिखाई नहीं दे रहा। वाहन धीमी गति पर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ वाहन चालक तो सड़क किनारे वाहनों को खड़ा कर कोहरे का खत्म होने का इंतजार तक कर रहे हैं। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़े रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।